इन त्योहारों पर भूषण ज्वेलर्स लेकर आए हैं स्वर्ण समृद्धि योजना जो 10 सितंबर से शुरू है। तो खरीदारी करें और जीतें प्रथम पुरस्कार 2.5 लाख के आभूषण, साथ ही दुबई टूर सहित कुल 101 इनाम। तो चले आए आपके अपने भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन में। करसोग उपमंडल में व्यापारी दुकानों से पटाखों की बिक्री नहीं कर सकेंगे। प्रशासन ने बाजार में आगजनी की आशंका को देखते हुए दुकानों से पटाखे की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके साथ ही पटाखों की बिक्री करने के लिए प्रशासन ने स्थान चिन्हित किए हैं। अब व्यापारियों को केवल इन्हीं स्थानों पर पटाखे की बिक्री के लिए लाइसेंस को आवेदन करना होगा। अन्य स्थानों पर पटाखों की बिक्री के लिए प्रशासन अनुमति प्रदान नहीं करेगा। यही नहीं, करसोग में रात 10 बजे के बाद भी आतिशबाजियों की अनुमति नहीं होगी। ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए देर रात को पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे में दिवाली पर लोग रात 10 बजे से पहले ही पटाखे चला सकते हैं। इसके अतिरिक्त हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल व लाइब्रेरी के पास भी पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस बारे में प्रशासन ने अनुसूचना जारी कर दी है। दिवाली का त्यौहार आने पर जो पटाखों की सेल के लिए ये सब डिवीज़न करसोग में सभी जगह पर स्थान चिन्हित कर दिए गए हैं। हमारे करसोग में इमला ब्रिज पे और रामलीला मैदान में हमने परमिशन के लिए अलॉट किया है, और पांगना में पंचायत घर के पीछे और चुराग में हमने SPPWD ऑफिस के साथ स्थान चिन्हित किया गया है, और तत्तापानी में सतलुज ब्रिज के साथ स्थान को चिन्हित किया गया है। सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि इन चिन्हित स्थानों पर ही लाइसेंस के लिए आवेदन करें और इन्हीं स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री के लिए अनुमति दी जाएगी। और यदि कोई पटाखों की सेल अपने किसी पर्सनल किसी दुकान में करता है और किसी अन्य अनऑथोराइज जगह पर करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एन स्टार न्यूज़ के लिए करसोग से राज सोनी की रिपोर्ट।